और अंडे को उबालने के लिए दे दी है। बिल्कुल नया अंदाज में आज ऐसा शायद किसी ने नहीं बना के खाए होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रमेश राज ब्लॉग में। सो दोस्तों, अभी सुबह सुबह खाना बन रहा है और काफ़ी सुंदर चारों तरफ निपाई कर दी है और अभी बर्तन में चावल डाला हुआ है। सूरज चावल डाला हुआ है और अभी सुबह का नज़ारा काफ़ी मस्त लग रहा है पूरा। अभी तो आज हम लोग क्या सब्जी बनाएंगे दोस्तों? आप लोगों को दिखाएंगे। दिखाएंगे। और सूरज को पता है कि क्या सब्जी बनेगा? क्या बनेगा? डीम। डीम नहीं है अभी घर में, तो ले आते हैं चलो दुकान से। छोटा मोटा दुकान है उधर पहाड़ के किनारे, तो वहीं से ले आते हैं ना। चलो और हम और सूरज जाएंगे। छोटा सा कट्टर में पूरा सारा है कट्टर। हाँ, बहुत सारा कट्टर। घोंगी दे दिया था ना आपने, पड़ गया। हाँ, यहाँ पे घोंगी दिया हुआ था पेड़ में, इसीलिए बहुत सारा फरा है हुआ। आप लोग भी दे सकते हैं और इतने सारा फरेगा। हाँ, खा भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। चलो इधर जाएंगे अभी पहाड़ के किनारे। सो दोस्तों, हम अंडा लेके आ गए और यहाँ संध्या सूरज खेल रहा है अभी और अंडे को उबालने के लिए दे दी है और नल तरफ चल गए है। चलिए ढाप देते हाँ। और सूरज क्या खा रहा है? आम खा रहा है। चलिए आपको इधर थोड़ा अंदर करते हैं लकड़ी को। हाँ हाँ, चूल्हे से अंडे को उतार ली है और छिलका अब निकाल रही है। इतना सा हो गया है और इतना बाकी है। और ये देखिए, इधर संध्या का मामा का लड़का है ये, ये भी छिलका निकाल रहे हैं। सभी अंडे को छिलका निकाल के और यहाँ फ्राई कर रही है अंडे को। हाँ, और आग भी देखिए क्या है, मस्त जल रहा है। चलिए अंडा को अच्छी तरह से फ्राई कर ली है और इसके तरी के लिए पहले से ही आलू का रसिया पूरा बना के और रख लिए हैं, रख लिए थे। और इसको अब डाल देगी, बन जाएगा अंडा करी। चलो डालो, ये देखिए बिल्कुल नया अंदाज में आज ऐसा शायद किसी ने नहीं बना के खाए होंगे। और क्या ही मस्त अंडा करी बन गया। बहुत ही अच्छा दिखने लगा। पहले अंडा फ्राई करके नीचे में रख के फिर बाद में तरी बनाना, लेकिन पहले तरी बना लिए हैं। अंडा को बाद में डाल दिए, डाल दिया, अब ले चलते। चलिए हो गया रेडी, बन गया। चलो और इधर दोनों सूरज और संध्या पूरा डांस में लगा हुआ है। दोनों डांस कर रहा है यहाँ पे अभी। चलिए अब खाना निकालते हैं। मेरा हो गया। हाँ, मैं खाना खा गई। कैसे नहीं खा पा गई? लेने के लिए हम लोग सूरज संध्या खा लेते हैं। तुमको ये ना, मैं आपको बाद में खाना। सभी कोई खाना खा लिए और हम नहाने गए थे, तो नहा धो के अभी फ्रेश होके आ गए हैं। चलिए अब खाना निकालते हैं। और खाना को निकाल लिए और अंडा करी एकदम क्या ही मस्त। चलिए अब खाते हैं। खाना खा लिए, बहुत ही अच्छा लगा। और अब रेस्ट करते हैं, धूप भी काफ़ी तेज है देखिए। और धूप में तो अभी कहीं जाएंगे नहीं, तो अब घर पे ही आराम करेंगे। और दोस्तों, संध्या का मम्मी जंगल गई थी और ये देखिए पोरैया फूल लेके आई है आज। और इधर कोनार का साग थोड़ा सा, ये देखिए था। और घर भी पहुंच गई है और अभी अभी बारिश भी चालू हो गया। हाँ, पूरा जबरदस्त देखिए बारिश का नज़ारा। देखिए दोस्तों पूरा बारिश।
चलिए अच्छा हो गया कि घर पहुंच गए, उसके बाद शुरू हो गया। हाँ हाँ, इधर संदीप आराम कर रहा है अभी, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 1:30 बज रहा है, लेकिन बारिश हो गया तो लगता है शाम हो गया। और संदीप, सूरज क्या खा रहा है? प्यार खा रहा है अभी। मम्मी ला दी है ना, ये देखिए यहाँ पे प्यार। और इसका रेसिपी बनेगा, ये फूल का, कोरैया फूल का। हाँ, बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि इसको खाया जाता है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए कैसा बादल गरजने लगा। हाँ, ये कोरैया का फूल हर जगह मिलता है, मतलब कि जंगल में, शहर में नहीं। और शहर के लोग तो नहीं जानते होंगे इसका नाम, लेकिन जो जंगल के किनारे रहने वाले होंगे वो तो जरूर जानते होंगे ये कोरैया फूल है। और इसको बना के दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसे बनाते हैं हम लोग और कैसे टेस्टीदार बनता है। इस तरह से पूरा फूल फूल को निकाल लेते हैं। इसका जो डंटी होता है ना, पूरा एक साइड रखना है इस तरह से, देखिए डंटी इधर और फूल यहाँ। अच्छा अच्छा फूल, रौद में सूख गया। हाँ, इतना धूप दिया, सेंट भी बहुत अच्छा आ रहा है। खुशबूदार ये बिना खाद वाला सब्जी है। जंगल में जब देखे उधर कोरैया फूल सफेद सफेद एकदम मस्त सुंदर भी लगता है देखने में। और संदीप उठ गया और जो खा के तो इसको बिकता है ना बाजार में, इसको बेच देंगे। हाँ, ये प्यार का दाना बाजार में बिकेगा कि घर में बिकेगा का भी पता नहीं। हाँ, हम लोग यही साल जुगाड़ किए हैं। हाँ, तो प्यार का दाना 2-4 kg, ज़्यादा नहीं, लोग जहाँ बेचेगा वहीं बेचेंगे हम लोग भी। और कैसे बिकेगा ये भी पता नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि बहुत महंगा बिकता है। बिकेगा महंगा बिकेगा। हाँ। और कैसा लग रहा है प्यार? मीठा मीठा अब नहीं मिलेगा, टेस्टी लग रहा है ना। जंगल में अब नहीं मिलेगा, पूरा खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया। बारिश हो गया तो अब कीड़ा भी लग जाएंगे और झड़ जाएगा सब, जितना बचा था सब खत्म हो जाएगा। अब आधे भर जो खाएगा सो अब नहीं मिलेगा। संदीप दोपहर का खाना निकाल लिया है। हाँ। और सब्जी खत्म हो गया है तो ऐसे ही पानी के साथ खा रहा है। चलो पेट भरो, सब्जी थोड़ा कम बनाता तो खत्म हो गया एक ही बार में। और भी निकाल रहा है सूरज, कितना खाएगा? यहाँ डब्बा में धो धो के खा रहा है। चलो अच्छा है, फूल को अच्छी तरह से निकाल लिए। और डंटी ये सब है, ये सबको बकरी को दे देंगे। और ये साग को यहाँ रख लेते हैं, कुनार साग मिक्स कर देंगे यहीं पे और इसको बकरी को देंगे, खाएंगे। ये वाला बकरी को दे दो संदीप, पकड़ो। और भी है इधर, इतना सारा हो गया डंटी और फूल, इतना दोनों मिला कर देंगे। कोना थोड़ा सा है तो कोना सा इसलिए वहीं पे मिक्स होगा। वैसे ही प्लास्टिक तलास्टिक देना, नहीं तो सब धूल लग जाएगा, मिट्टी लगेगा तो नहीं खाएगी। जा
और ये देखिए फूल को खाने लगी, टेस्टी टेस्टी मज़ेदार। चलिए इसको रख देते हैं अच्छी तरह से और इसका रेसिपी आप लोगों को अगला वीडियो में दिखाएंगे। इधर रख देते हैं ड्राम के ऊपर अभी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल में जो नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।